पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरुजी का लख लख शुकराना करते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी का आशीर्वाद आशा आंटी जी, सतीश गोयल अंकल जी को मिल गया है। गुरुजी का बहुत ही डिवाइन अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग आशा गोयल आंटी जी के घर पे दिनांक दिनांक 27 अप्रैल 2024 को संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी कैसे कल्याण करते हैं, आइए सुनते हैं। क्षमा न करना तथा बदला लेने की भावना दुख और पीड़ा का आधार है। जो लोग इन बुराइयों से बचने के लिए उन्हें अपने हृदय में पालते रहते हैं, वे जीवन के सुख और आनंद से वंचित रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक प्रकाश का लाभ नहीं उठा पाते। जिसके हृदय में क्षमा नहीं होती, उसका हृदय कठोर हो जाता है। उसे दूसरों के प्रेम, संगति, प्रतिष्ठा और आत्मसंतुष्टि से वंचित रहना पड़ता है। यदि आप कोई बुरा काम करना चाहते हैं, तो उसे करने से पहले कई बार सोचें और उसे आज के बजाय कल पर छोड़ दें। लेकिन यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस भावना को कार्य में आने दें। कल का काम आज ही निपटाने का प्रयास करें। पाप तो हर रोज अपने जाल में फंसा ही लेता है, लेकिन पुण्य कभी कभी पैदा होता है। अगर निराश होकर लौटा दिया जाए तो कौन जाने फिर कब आएगा। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने आप को गुरु जी के भजन सिमरन सेवा से जोड़ें और मन पानी की तरह रखें। अगर पानी फर्श पर गिर जाए तो कहीं भी चला जाता है। इसी तरह मन भी चंचल होता है, मन कहीं भी चला जाता है। मन को हमेशा सत्संग सेवा भजन सिमरन से जोड़े रखें। जैसे पानी फ्रीजर में रखने पर ठंडा रहता है और सिकुड़कर बर्फ बन जाता है, वैसे ही मन फ्रीज रूपी सत्संग में ठंडा और शांत रहता है। और भजन सिमरन करने से सब कुछ मिल जाता है और मालिक में लीन हो जाता है। अगर बर्फ को धूप में बाहर रखा जाए तो वह पानी बनकर इधर उधर बिखर जाती है। हम भी भ्रम में सत्संग से दूर बिखर जाएंगे। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने आप को सत्संग और भजन सेवा सिमरन से जोड़े रखना है। अगर जो संगत ऐसा करता है, गुरु जी की बहुत जल्दी ब्लेसिंग पा लेता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पर अपना आशीर्वाद अपनी कृपा बनाए रखें। सबका मंगल हो, ऐसी मंगल कामना गुरु जी से करता हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आइए संगत जी, आगे का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग होने जा रहा है। आपसे निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर पूरा सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी कहते हैं, तो आज की ब्लेसिंग जरूर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। डांस कर रहे हैं और मैं जब सुबह उठी, मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर किया, मैंने अपनी मॉम को कॉल किया इंडिया में और बोला मम्मी पापा ऐसे मेरे सपने में आए थे, बहुत खुश थे, मुझे नहीं पता क्या है। एंड बस ये सुबह की बात है, रात को जब हम सोने लगे तो मेरे हस्बैंड ने पोर्टल पे चेक किया और उसमें लिखा हुआ आया कि हमारी ओथ सेरेमनी आ गई है और उसकी जो डेट है वो है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। और वैलेंटाइंस डे मेरे पापा का बर्थडे होता है और उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी होती है। गुरुजी ने उनके जाने के बाद भी 2 या 3 महीने हमारी ओथ सेरेमनी डिले कराई ताकि वो मुझे ये गिफ्ट दे सके मेरे पापा के बर्थडे का। ये गुरुजी का एक तरीका है टू मेक मी फील दैट ही इज हियरिंग मी ईच एंड एवरी डे।
उनको पता है कि मेरे लिए वो दिन कितना बड़ा सेलिब्रेशन होती थी, और शायद पापा के जाने के बाद हम वो सेलिब्रेट नहीं करते, पर गुरुजी मेड श्योर दैट वी कीप सेलिब्रेटिंग इट बाय गिविंग अस बाय मेकिंग 14th फरवरी अगेन अ माइलस्टोन इन आवर लाइफ. नहीं तो मैं उस दिन कितनी उदास होती, कितनी परेशान होती, पर गुरुजी ने उस दिन हमारी ओथ सेरेमनी कराई हम चारों की, और हमें पासपोर्ट्स मिले. कि गुरुजी की लीला नहीं है तो क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता. एंड यू नेवर सेलेक्ट योर डेट ऑफ ओथ, इट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू, एंड टू मी इट वॉज गिवन बाय माई गुरुजी महाराज. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टांसेस हैं. अभी रिसेंटली मैं आपको एक अपना सत्संग शेयर करूंगी बैसाखी का. तो हमारे पासपोर्ट्स ओथ सेरेमनी के एक महीने बाद आते हैं. ऐसे मेरे हस्बैंड का और बच्चों का आ गया, मेरा डिले हो गया था, हफ्ते बाद आया. तो उसके एकदम बाद बैसाखी आई, और मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी को शुक्राना करूं और लंगर सेवा कुछ करूं, कि सबका मुंह मीठा कराऊं. और मैं यहाँ बैसाखी का सत्संग जहाँ पर होना था, मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई सेवा कर सकती हूँ लंगर में. तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस आप सब आ जाना. तो मैंने पुश नहीं किया, और मैं उस दिन एक गुरुजी का कोई सत्संग सुन रही थी जिसके अंदर स्पेशली ये बात बोली गई कि गुरुजी की सेवा वो है जो आप तक खुद मैसेज आएगा. गुरुजी की असली सेवा वो है कि जब आप कोई लंगर सेवा करते हो, उसमें ये था कि जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, आजकल लोग बड़ी बड़ी बास्केट्स ले जाते हैं खाने पीने की, और वो गुरुजी के आगे रख देते हैं. वो संगत ये कह रही थी कि वो गुरुजी की सेवा नहीं है, वो तो आप होस्टेस के लिए लेके जा रहे हो. गुरुजी की सेवा वो है जब आपको लंगर में कोई सेवा मिले, जब आप सेवादारों के लिए कोई सेवा करो, या आप तो ऐसे करके. तो मेरे को उससे मैसेज मिला, मैंने समझा, मैंने कहा गुरुजी मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुझे तेरे से सेवा चाहिए होगी, तेरे पास मैसेज खुद आएगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे जब कोई कुछ बोलेगा मैं तभी सेवा करूंगी, मैं खुद जाके नहीं मांगूंगी. और मैंने यहाँ जो मंदिर है उसमें मैसेज किया था जो एडमिन है उनको, कि अगर बैसाखी पे कोई सेवा हो तो आप मुझे प्लीज बताना, क्योंकि अभी करंटली आई एम नॉट वर्किंग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया है. तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो भी फ्री हूँ, तो अगर कोई सेवा, डेकोरेशन सेवा में ही गुरुजी मुझे लगाते हैं दरबार डेकोरेशन में, तो मैंने उनको बोला कोई सेवा हो, क्योंकि वीकडे है तो मैं जरूर आ सकती हूँ. पर मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया. जिस दिन बैसाखी थी उससे एक दिन पहले मैं दोपहर को अपने सारे काम करके अपने बच्चों को पिक करने जा रही थी, और ये जो सत्संग मैंने सुना था ये एक दिन शाम को, एक दिन पहले शाम को सुना था. मैं पिक करने जा रही थी और मेरे को एकदम से उन एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां की हैं उनका कॉल आता है, और आंटी मुझे बोलती है आप कल आए नहीं सेवा पे. मैंने कहा आपने बताया नहीं. कहती आई एम सो सॉरी, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज बना के रखा हुआ था, और मैंने जब आज आपको कॉल किया तो मैंने देखा कि मैंने आपको मैसेज ही नहीं भेजा. आप प्लीज अभी सेवा के लिए आ सकते हो आज. मैंने कहा मैं बिल्कुल आ सकती हूँ, और मेरे जितने उस दिन के काम थे मैं सब कर चुकी थी, मैं बिल्कुल फ्री थी और जा सकती थी सेवा पे. और मैंने फटाफट अपने बेटे को लिया, क्योंकि मेरी डॉटर ने कहीं और जाना था बर्थडे पे, मैंने उसको वहां ड्रॉप किया. अपने बेटे को लेके मैं सेवा के लिए चली गई, और मैंने उनसे उसी टाइम पूछा, मैंने कहा आंटी कोई सेवा मैं कुछ ले आऊं सबके लिए. तो उन्होंने कहा कि आंटी हमने ना सेवादारों के लिए चने बनाए हैं, तो आप कुलचे ले आओगे. मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे एक और लाने की सेवा दी, और मैं ले गई वहां पे. मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो पता भी नहीं था कि आपने मेरे से बैसाखी के लिए एक दिन पहले दोपहर को जस्ट एक घंटा पहले मुझे फोन करवाया, स्पेशली किसी से याद उनको करवाया कि मेरे को बुलाया जाए, और मेरे से आपने ये सेवा मेरे मन में था तो आपने खुद बुला कर ली. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे भी अच्छा जो था वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहीं तक नहीं थी. मैं वहां बैठ के सेवा कर रही थी,
और जब लंगर प्रसाद लगने लगा, हम सिर्फ सेवादार ही थे उस दिन वहां पर, जब लंगर प्रसाद लगने लगा तो आंटी जब वो लंगर प्रसाद की थाली लेकर आई, उन्होंने दूर से मुझे बुलाया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ पहले, मैंने पहले भी सेवा करी है, पर उस दिन उन्होंने मुझे दूर से बुलाया कि आप आइए आंटी और आप लंगर प्रसाद लगाइए। आई वॉज जस्ट सो थ्रिल्ड, मेरी आंखें भर आई। और जब मैंने गुरु जी को प्रसाद लगाया, मैंने सच में गुरु जी से ही बोला कि गुरु जी आप इतने पास होके सुनते हो, इतने पास होके सुनते हो, आपने मेरी इतनी सी इच्छा थी कि मैं संगत के साथ इस खुशी को बांटूं, आपने वो भी करवाया और आपने अपना भोग भी मुझसे लगवाया, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। और जो भाव अगर आपके सच्चे हों, तो मैंने सच में देखा है कि गुरुजी हर पल, देर आर इनन्यूमरेबल इंस्टांसेस एंड सत्संग्स दैट आई हैव पर्सनली फेल्ट, कि जब मैं अपने दिल से गुरुजी से कुछ अरदास करती हूँ, गुरुजी अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराते हैं मुझे। गुरुजी अभी रिसेंटली 16 अप्रैल की बात है, मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन मन बहुत भरा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। अभी जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब नहीं मिल रही, बहुत कुछ मन में चल रहा था। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने मन की बात किसी को नहीं बोलते, बस गुरु जी से करते हो। तो मैं उस दिन अपने नेल्स कराने गई हुई थी और वहां बैठे बैठे मैं सत्संग सुन रही थी और बहुत रो रो रही थी। और मैंने ऐसे ही सुनते सुनते गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी अगर आप हो और मेरे पास हो और मुझे सुन रहे हो, तो आज मुझे हग चाहिए किसी से। आई नीड अ हग फ्रॉम समबडी, आई नीड अ हग फ्रॉम यू, आई सेड दैट। मैंने कहा गुरु जी मुझे आपसे एक हग चाहिए। This was such a weird thought, इतना weird thought था, मैंने पता नहीं क्यों बोला, लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी आज मुझे आपसे एक जप्फी चाहिए, आई नीड यू टू हग मी। और मैंने ऐसे किया कि गुरु जी मुझे ऐसे आपसे एक हग चाहिए। मैं नेल्स करा के अपने बच्चों को पिक किया और मुझे कहीं और जाना था, क्योंकि हम 2 दिन बाद कहीं ट्रैवल कर रहे थे, फैमिली वेकेशन पे जाना था, तो मुझे पार्लर जाना था। उसके बाद मैं वहां पहुंची और अंदर कोई क्लाइंट था तो मैं बाहर वेट कर रही थी। और मैं उस लेडी के यहाँ शायद सेकंड टाइम गई थी, तो मैं इतने अच्छे से उसको जानती नहीं हूँ। मैं बाहर जब वेट कर रही थी तो कुछ सुनते सुनते पता नहीं क्यों मेरी आंखें थोड़ी सी बाहर आई थी, और उतने में वो मुझे बाहर बुलाने आ गई। तो जैसे ही वो आई, मैं अंदर जाने लगी, मैंने कहा यस आई एम कमिंग। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, एकदम से जैसे ही मैं रूम में घुसी, उसने मुझे एकदम बोला, कहती निधि, ऐसे हाथ खोलकर कहती है गिव मी अ हग। एंड आई हग्ड हर और मैं इतना रोई, मेरी आंखों से आंसू ही ना रुके। एंड आई केप्ट टेलिंग हर दिस इज माय गुरुजी। विद इन 2 आवर्स, नहीं तो उस दिन ऐसा था, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है ऐसा रूटीन होता है, जब आप घर में हो तो यू डोंट मीट एनीवन, और मेरा कोई ऐसा रोज बाहर जाने का काम नहीं होता कि मैं जाऊंगी किसी से मिलूंगी, एंड व्हाई वुड एनीबडी हग यू, बट शी जस्ट डिड, बिकॉज शी वॉज चोजन मैसेंजर ऑफ गुरु जी, शी वॉज चोजन बाय गुरु जी टू गिव मी अ हग। इट इज नो कोइंसिडेंस, छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में गुरुजी हर पल आपका हाथ थाम के रखते हैं और गुरुजी आपको एहसास कराते हैं, हैव पेशेंस। वो कहते हैं ना कि बिलीव इन हिज टाइमिंग। और मुझे लगता है उस हग से, वो गुरुजी के एहसास से मेरी सारी टेंशंस दूर हो गई, मेरा मन इतना हल्का हो गया। एंड इट वॉज रियली रियली A ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जब आंटी ने मुझे सत्संग के लिए बोला,
तो मुझे ऐसा लगा, मैं सोचने लग गई मैं क्या सत्संग करूंगी, मैं क्या शेयर करूं, समझ नहीं आ रहा। पर मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं शुक्राना करूं हर उस छोटी छोटी फीलिंग का जो गुरुजी हमें देते हैं, ये एहसास कराते हैं कि वो हर पल मेरे साथ है, हमारे साथ है। अब मैं आपसे एक सत्संग शेयर करूंगी दुबई संगत का। लास्ट ईयर जब मेरे पापा मम्मी यहाँ आए थे और जब वो वापस गए जून में, जुलाई में, जुलाई 12 को वो वापस गए, और उसके बाद जो थर्सडे था, क्योंकि ये मेरा इतने सालों का एक ड्रीम था, मैं जब जिस सत्संग पे जाती थी मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे, मेरे मम्मी पापा कब आएंगे। मेरे इन-लॉज तो हमें विजिट कर चुके हैं 2 बार, बट मेरे पेरेंट्स कब आएंगे। एंड गुरुजी मेड इट हैपन डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और मेरे पापा को ग्रेस लाइफ पीरियड देके उन्होंने इस ड्रीम को पूरा करवाया। तो जिस दिन वो चले गए, उसके बाद जो थर्सडे था, आई थिंक दे लेफ्ट ऑन वेंसडे एंड नेक्स्ट डे वाज अ थर्सडे, और मैं उस दिन यहाँ मंदिर में सत्संग होता है, मैं जाके शुक्राना करना चाहती थी, बट हमारे कोई दुबई से फ्रेंड्स आए हुए थे जिन्होंने हमें अपने बर्थडे पे इनवाइट कर लिया उस दिन इवनिंग का, और हमारा जाना भी जरूरी था। तो मेरे मन में ये बात बहुत हो गई कि गुरुजी आज तो मुझे मंदिर आना था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं संडे को आऊंगी शुक्राना करने। बट मन वहीं पर था कि शुक्राना करना था, आज मुझे मंदिर जाना था। एनीवे, हम लोग शाम को जैसे ही उनके घर पहुंचे, और क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को जानते थे, वो किसी के यहाँ यहाँ ठहरे हुए थे जिनके घर में उन्होंने हमें बुलाया, तो हमें कुछ नहीं पता था हम किसके घर जा रहे हैं, कौन है वो लोग। जैसे ही मैं उनके घर में एंटर हुई, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी बड़ी गुरुजी का स्वरूप वहां पे लगा हुआ। एंड मैं तो एकदम देख के, क्योंकि मेरा ध्यान पूरे रास्ते वहां पहुंचते भी ये था कि वहां सत्संग था आज मंदिर में, मैं वहां होती गुरुजी, मैं वहां आती शुक्राना करने, और जिस घर में हम गए वहीं पर गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप। मैंने जाते ही हाथ जोड़े, मैंने शुक्राना किया, मुझे इतना अच्छा लगा, और पता चला कि वो दुबई संगत में थे और फिर कनाडा मूव हो गए थे, अब वो वापस दुबई चले गए हैं। और उतनी ही देर में वहां, मतलब पार्टी के अंदर ही पता चला कि उनकी मम्मी अभी मंदिर से ही, जिस मंदिर में जाना चाहती थी वहां से आई है। शी जस्ट एंटर्ड हमारे सामने ही, कोई संगत उनको छोड़ के गए क्योंकि वो मंदिर गई हुई थी। वो अंदर घुसते ही उन्होंने सबसे पहले हलवा प्रसाद मेरे हाथ में रखा कि बेटा ये लो मंदिर से मैं प्रसाद लाई हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल गुरुजी। गुरुजी न्यू कि मेरा कितना मन था शुक्राना करने का, नहीं तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप किसी के घर गए हो अननोइंगली, आपको पता चलता है दैट वो भी गुरुजी के भगत है और उनकी मम्मी उसी टाइम मंदिर से आ रही है, क्योंकि गुरुजी वांटेड टू ब्लेस अस, गुरुजी न्यू आवर भाव। और ऐसे अनगिनत इंस्टांसेस हैं, और मुझे लगता है उस बर्थडे पार्टी पे बैठ के मैं और आंटी और मेरे अंकल, हम तीनों तो सिर्फ गुरुजी के सत्संग ही शेयर करते रहे। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल इवनिंग वेल स्पेंट विद गुरुजीज महिमा विद हिज संगत। मैं तो सोचती हूँ कि हम सोचते हुए भी बहुत ध्यान से सोचे, बहुत सोच समझ कर सोचे, क्योंकि गुरुजी इतनी पास से हमें सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उनको भूल ही नहीं पाते। और मैंने अपनी लाइफ में तो यही देखा है, माना है, समझा है, और यही मैं आगे अपने बच्चों को भी पास ऑन करना चाहती हूँ विद गुरुजीज ब्लेसिंग कि व्हाट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इट इज हिज विल। और जो हमारे, वो कहते ना, हमारी हाथों की लकीरों में भी जो नहीं है वो सच में गुरुजी लिख सकते हैं। ही मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, ऑल ही नीड्स इज फेथ एंड पेशेंस। बड़ा मुश्किल होता है रखना, और मैं खुद बहुत बार डगमगा जाती हूँ, बट गुरु जी गिव्स यू मैसेजेस थ्रू समबडी। मैं जैसे दूर रहती हूँ तो
तो अब पापा के बाद हम तीन बहनें ही हैं, और मेरी मॉम है, पापा का इंडिया में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी, बिजनेसेस और ये वो, तो अब कुछ चीजें काम ऐसे चल रहे थे। मैं उसका एक सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं अपने फादर के साथ बिजनेस में भी थी, 10 साल मैंने उनके साथ ही काम किया इंडिया में उनके एक बिजनेस में। तो उस बिजनेस का अब कुछ वाइंड अप हम कर रहे थे, क्योंकि पापा भी वही चाहते थे और उनके जाने के बाद हमें ही करना था। मैं जैसे अब इतनी दूर रहती हूँ तो मन में बड़ा बहुत बार ये बहुत परेशान करता है कि मैं फिजिकली वहां पर कुछ नहीं कर सकती। आई एम नॉट एबल टू हेल्प इन एनी वे, आई एम नॉट एबल टू असिस्ट माई मदर इन डूइंग फ्यू थिंग्स जो कि एक बच्चों का फर्ज होता है। तो मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ गुरुजी से अरदास ही कर सकती हूँ। कोई एक काम था, क्योंकि पापा का स्कूल था, उनके स्कूल का कोई काम था बड़ा इम्पोर्टेंट, और वो DEO ऑफिस में होना था। तो मेरी बहन और मेरी मम्मी उस मीटिंग के लिए गए, तो वो मतलब एक कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी जिसके लिए हमें वहां जाना पड़ना था उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो हम उसको सॉल्व करना चाहते थे, और बट सामने वाली जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट थी, और जो DEO ऑफिसर थी वो भी उसी की साइड ले रही थी। तो बड़ा अजीब सा था, और हमें लगा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे पता था कि आज मम्मी और मेरी सिस्टर वहां जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो ऑल आई कुड डू, क्योंकि मैं फिजिकली कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ बैठकर गुरुजी से ही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आपने ही संभालना है सब कुछ। मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि बात बिल्कुल दूसरी तरफ की थी, और एकदम से वहां पर एक और बहुत ही एमिनेंट स्कूल है, उसके प्रिंसिपल आते हैं, जहां से मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मेरी सिस्टर भी पढ़ी हुई है, और मेरे पापा के वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वो एकदम से आते हैं, और एंड दैट पर्सन, दैट प्रिंसिपल मस्ट बी 90s नाउ, तो उनकी एज बहुत ज्यादा है और हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। तो एंड ही इज एट दैट पोजिशन कि मुझे नहीं लगता उनको कभी DEO ऑफिस आने की जरूरत पड़ती होगी। ही एंटर्स द ऑफिस एट दैट टाइम, और एकदम से उन्होंने मेरी बहन को देखा, मेरी मदर को देखा, वो पहचान गए, और उन्होंने एकदम से, जैसे कहते हैं ना, शायद गुरु जी ने ही उनको भेजा होगा, उन्होंने एकदम से बोला कि ये कालिया साहब है के बच्चे हैं, ये उनकी वाइफ हैं, इनका जो भी काम है अभी के अभी करिए। एंड उनके ये कहते ही ऑफिसर का रुख ही बदल गया, और उसने सब कुछ हमारे फेवर में करके उसको सेटल कराया, और जैसा हम चाहते थे कि सामने वाला भी खुश होकर जाए और हम भी खुश होकर जाए, वैसा ही हुआ। ये गुरुजी नहीं है तो और कौन है? सो मेरे को तो अब ये समझ में आ चुका है कि ये स्पेशल मैसेज है मेरा उनके लिए जो अपने घरों से दूर हैं, आई मीन इमिग्रेंट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं। और ये थॉट हमें हमेशा परेशान करता है कि हम फिजिकली अपने पेरेंट्स के पास नहीं हैं, हम फिजिकली वहां पर ये नहीं कर पा रहे, बट हमारा सबसे बड़ा कर्म जो है वो है कि हम अरदास करें। क्योंकि जो चीज जब हम फिजिकली नहीं कर सकते, हम अगर गुरुजी को बोले तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, और हमारा सबसे बड़ा कर्म यही है। मुझे तो बहुत इंस्टांसेस में यही गुरुजी का मैसेज मिला है हमेशा, और मेरे को इस बात की बहुत अब मन की तसल्ली रहती है कि जो बात है गुरुजी से करो, सुख हो, दुख हो, सेलिब्रेशन हो, नथिंग, नोबडी कैन हेल्प यू इन एनीथिंग, इट कैन ओनली बी योर गुरु। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो सो थैंकफुल, सारी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी डॉक्टर पुनीत बजाज की, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। कहते हैं ना कि हमें उन परेशानियों का भी शुक्राना करना चाहिए जिसकी वजह से हम गुरुजी से जुड़े।
और मैं उन परेशानियों का भी शुक्राना करती हूँ, उन लोगों का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिससे मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, इट वॉज अ कॉलिंग बाय गुरुजी, जो मुझे तब नहीं समझ में आई। लेकिन कहते हैं ना, आप तब तक गुरु से नहीं जुड़ते जब तक या तो आपको दुख ना, या आपको शारीरिक दुख या आर्थिक दुख या कोई और दुख आए। सो ये गुरुजी का अपने पास बुलाने का तरीका होता, नहीं तो हम हमेशा गुरुजी को टेस्ट ही करते रहते हैं। जब हमारी टेस्टिंग होती है, दैट इज व्हेन वी कनेक्ट टू गुरुजी, दैट इज व्हेन वी सरेंडर। और अपना सरेंडर करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आई वॉन्ट टू एंड माई सत्संग टूडे विद अ वेरी स्मॉल सत्संग। हम सबकी लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में 7 नंबर की बहुत महत्व है, बिकॉज गुरु जी का डेट ऑफ बर्थ इज 7। और मेरी लाइफ में भी, हमारे चारों की लाइफ में 7 नंबर बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है हमेशा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं उसमें। सो जब हम घर देख रहे थे, तो हमने जब ये घर लिया, इसका नंबर है 6। सो जब हमने गुरु जी का सत्संग किया, एंड एवरीबडी हियर नोज दैट वी आर सो मच डिवोटेड टू गुरु जी, गुरु जी ने इतना प्यार दिया है, तो सबको यहाँ पर जब घर लेते हैं तो सब कहते हैं कि कोई 7 होना चाहिए। यू नो, वी ट्राई कि कोई 737 या 17 या 16 या ऐसा कुछ होना चाहिए। बट हमें जब ये घर लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और एवरीथिंग इज विद गुरु जी ब्लेसिंग्स। हमने ये घर लिया, तो जब हमने अपना पहला सत्संग किया यहाँ पर, एक ब्लैक संगत, लाइक ब्लैक आई वुड से, एक आदमी आया जो जिनको बिल्कुल हिंदी समझ नहीं आती, एंड ही वॉज देयर एट द सत्संग। उस जब भी सत्संग होता है, वो सबसे पहले आते हैं और लास्ट तक बैठते हैं, एंड ही इज टोटली इन टू मेडिटेशन। ही शेयर्स हिज सत्संग, एट द एंड ऑफ द सत्संग ही गॉट अप एंड ही सेड, जब लंगर स्टार्ट होने लगा, सबने सत्संग शेयर कर लिया, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू शेयर अ सत्संग, एंड ही शेयर हिज सत्संग सेइंग दैट 2 years अगो आई हैड अ सत्संग। मैं एक सत्संग में बैठा हुआ था, और जिनके सत्संग में वो बैठे हुए थे, वो आंटी भी हमारे सत्संग पे उस टाइम आई हुई थी, व्हेन ही वाज शेयरिंग। कहते मैं इनके सत्संग पे बैठा था, एंड आई सॉ अ न्यूली बिल्ट प्योर वाइट बेसमेंट समवेयर इन माई ड्रीम्स। गुरुजी वहां बैठे हैं, और मैंने, गुरुजी ने मुझे वो दिखाया, एंड ही सेड दैट टाइम आई वेंट टू दिस आंटी जिनके घर में वो सत्संग हो रहा था। कहते मैं इन आंटी के पास गया, और मैंने इनको बोला कि गुरुजी इज गोइंग टू ब्लेस यू विद अ न्यू हाउस, बिकॉज सिटिंग हियर वाइल मेडिटेटिंग आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ न्यू हाउस, अ ब्रांड न्यू वाइट कलर हाउस। सो शी सेड ओके। कहते बट टुडे व्हेन आई केम टू दिस सत्संग एंड आई एंटर दिस बेसमेंट, हमने बेसमेंट में सत्संग किया था, ही सेड आई वॉज स्टन्ड बिकॉज गुरुजी शोड मी द सेम बेसमेंट 2 years अगो। सो 2 years अगो वॉज इन 2020, वी बॉट दिस हाउस इन 2022 जून, और जब हमने ये घर लिया था, बेसमेंट वॉज टोटली अनफिनिश्ड। हमने लेने के बाद इसको पूरी बेसमेंट को बनवाया, और पहली बार हमने इस बेसमेंट को उस सत्संग के लिए ही यूज किया। कैन यू बिलीव इट, दिस इज हाउ गुरुजी चोज दिस हाउस फॉर अस। एंड अनदर थिंग, गुरुजी ने जब ये घर हमें दिया, जब मेरे हस्बैंड इस घर को देखने आए, देर आर 3 सेट्स ऑफ स्टेयर्स इन आवर हाउस। हमारा हाउस जो बाहर घर होते हैं उससे थोड़ा हटके हमारा बना हुआ है लेआउट, और हमारे घर में 3 सेट ऑफ स्टेयर्स हैं, और तीनों सात सात और सात, सात सीढ़ियां बेसमेंट के लिए, सात सीढ़ियां लिविंग रूम के लिए, सात सीढ़ियां हमारे बेडरूम के लिए, 777।
और 777 का एक जुड़ा हुआ सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। हमने एक गाड़ी लेनी थी, हम देखने गए, वो गाड़ी वो ही सेम गाड़ी मिली हमें, हमने सेकंड हैंड ली यहाँ पर, जो कि हम इंडिया में हमने बहुत साल पहले अपने बेटे के होने पे वो गाड़ी ली थी, और हमारे बेटे को वो गाड़ी बहुत पसंद थी, और वो एक डिफरेंट ब्लू कलर था जो नॉर्मली नहीं होता है। जब हम वो गाड़ी छोड़कर आ रहे थे, जब हम फाइनली 2022 में वापस आए, तो हमने वो गाड़ी बेच दी, और हमारा बेटा बहुत दुखी था कि आपने वो गाड़ी क्यों बेची, और जबकि उसने अपने लैपटॉप पे भी आज तक उसी गाड़ी की वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो वो हो सकता है वो गुरुजी को इतना इस गाड़ी के लिए बोलता था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सेकेंड हैंड गाड़ी हमें वो ही ब्रांड, वो ही कलर, उतनी ही चली हुई, एवरीथिंग सेम हमें यहाँ पे मिल गई, एंड वी वेंट टू बाय इट। हमने वो गाड़ी खरीदने जब हम गए, तो उसका जब नंबर लेने के लिए हम गए, शाम हो गई थी, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड अंदर गए अथॉरिटीज पे नंबर लेने। तो वो जो लेडी थी वो वहां पर बड़ी लंबी लाइन थी, पर हमारी जैसी बारी आई, वी वर द लास्ट वन टू गेट द नंबर दैट डे, तो वो एकदम से, एंड शी वॉज अ कैनेडियन, शी वॉज नॉट एन इंडियन लेडी, तो वो जब नंबर बना रही थी, उसने साइड पे नंबर रखा हुआ था, और उसने जब निकाल के बाहर नंबर रखा, तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या नंबर मिलेगा, यू नो एवरी नंबर हैज अ सिग्निफिकेंस, एंड स्पेशली मन तो बहुत होता है कि 7 मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। एंड उसने जब बाहर नंबर निकाल के रखा, तो इट वॉज आई थिंक 70 समथिंग लाइक दैट, 770 और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो माई हस्बैंड वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, अब यू नो एटलीस्ट 7 आ गया उसमें, तो यू नो इट विल बी गुड। एकदम से जब वो नंबर देने लगी, उसने वो नंबर नीचे रख दिया, एंड शी पुट अनदर नंबर, और जब माई हस्बैंड वॉज लुकिंग एट इट, सो शी जस्ट लुक्ड एट हिम, शी सेड यू डोंट लाइक दिस नंबर, सो ही सेड No, I love this number. It's the best number anybody can get. But I'm just noticing he earlier you kept another number which was different from this, and you just changed it at the end. And जो नया नंबर उसने हमें दिया, और आई वुड से गुरुजी ने उससे दिलवाया, इट वॉज 777. एंड शी सेड so he said, I'm just wondering what made you change the number. So you know, she looked at my husband and she said, you know what, I was just giving you another number, but then something came into my mind, and I just looked at it that this car is under your company's name, and I want you to be successful with your company here. So I wanted to give you the blessed number, the best number, and this is 777 for you. Can you believe that? Jai Guruji, Shukrana Guruji. वो कहते ना, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। You don't have to ask. गुरुआ नु दस्या नहीं जांदा। He knows everything. दिस इज एन एंजल्स नंबर। एक दिन मेरे हस्बैंड ये गाड़ी लेके किसी शॉपिंग करने कहीं पे गए, तो वहां पर एक काफी ओल्ड लेडी, ओल्ड कैनेडियन लेडी निकली और इनके गाड़ी के पास आके खड़ी हो गई, और नंबर देखने लग गई और इनकी तरफ देखने लग गई। तो इन्होंने कहा, व्हाट डू यू वांट टू से समथिंग, शी सेड यू आर ब्लेस्ड, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि थैंक यू, बट एक्चुअली ही जस्ट सेड दैट, हेलो एम आई ऑडिबल, आई वॉन्ट टू टेल यू, ये नंबर मैंने खुद नहीं खरीदा है, मतलब बिकॉज यू कैन एक्चुअली बाय स्पेशल नंबर्स, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल नंबर्स, ही सेड मैंने ये नहीं खरीदा है, ये मुझे मिला है। तो शी सेड, शी लुक्ड एट हिम एंड शी सेड, You are the chosen one because this is an angel number. God is with you.
दिस इज गुरु जी's महिमा. उनके लिए छोटी छोटी बातें कोई अननोन इंसान आपको आकर बोल रहा है, ये क्या है, ये गुरु जी तो है उसके अंदर. दिस इज गुरु जी's वर्ड्स, ही इज रीअश्योरिंग यू दैट बेटा यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द पाथ विच आई हैव चोजन फॉर यू. And you can never go wrong on this because Guruji has chosen it for you. So thank you, Shukrana Guruji. Har badi, har choti, har blessing ka, har us blessing ka bhi jo hume nahi pata hota, but aap hamare liye bhej rahe ho, to aap hamare ko de rahe hote. With this, I only want to say, paya tere dar tumhe. रहमता हजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा. शुक्राना गुरु जी. संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करना. मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं आज क्या बोलूंगी, पर ये सब गुरुजी ने मुझसे बुलवाया. और आई होप दैट आई एम एबल माय सत्संग इज एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज, क्योंकि मुझे तो हर सत्संग से कुछ ना कुछ टेक अवे मिलता है एंड आई ट्राई टू इम्बाइट दैट इन माय लाइफ. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संकट जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच, वेरी लवली सत्संग. हम लोगों को भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, जैसे आपने बोला कि हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करते हुए और गुरु जी की बात मानते हुए हम अगर चले तो हमारी सोच से भी ऊपर गुरु जी हमें देते हैं. और हम लोग अभी सोचते बाद में, गुरु जी पहले पूरा करते हैं. तो ये तो बहुत, मेरे साथ भी बहुत ऐसे हो चुका है. तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है जो उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है. यही सबसे बड़ी हमारी ब्लेसिंग्स है. तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना. पैदा हुआ था शाम के टाइम, आरती पूजा के टाइम, तो मैं मंदिर में लड्डू लेके गई मत्था टिकाने, तो उन्होंने चिलक देखा तो वो पंडित जी खड़े हो गए. तो पंडित जी ने भोग लगाया तो माता रानी का जो था वो फूल वो गिर के प्रसाद के ऊपर आ गया. तो ये भी करिश्मा हमें नहीं पता था गुरु जी ने कब का जोड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम है. तो ऐसे जैसे बड़ा हुआ, 2-2.5 साल का हुआ, तो ना ये क्राफ्ट मेला लगता है सूरज कुंड में, हम वो ही काम करते थे. तो हम मेला लगाने गए थे तो वहां पे ना सपेरे जो होते हैं, आपने तो सुना होगा, सपेरे डांस कर रहे थे. तो मेरा बेटा भी बहुत डांस करता था, बहुत नाचता था. ये चल के खड़ा होकर नाचने लग गया. तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे को 3 गद्दियां हैं, गुरु नानक जी की, कृष्ण जी की, एक गद्दी और बताई थी मुझे याद नहीं है. ठीक है, फिर इसने मेरे को बोला कि आप किसी से मेरी बात मत क्या करो, मेरे को कष्ट दुख होएंगे बड़े. ये बहुत बातें बताता था. मेरे पास वॉइस की फोटो भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, आपको दिखाऊंगी मैं. तो 11 महीने का ये ना नीलकंठ पे जल चढ़ाया था, नीलकंठ मंदिर पे, 11 महीने का बच्चा. तो मैं हैरान, 11 महीने का बच्चा मेरे को मेरा जरिया बना के मुझे साथ ले गया. वो इतनी भीड़ थी, सारी क्रॉस करके हम पता नहीं कैसे आगे निकल गए, सबसे पहले हम आगे. तो सब जगह पे गुरु जी कब के जुड़े हुए थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम. तो इतना जब ये, जब तक ये 5 साल का नहीं हो गया ना, इसके ऊपर बहुत सारी मेल रही है.
इसने मुझे भूख मिल रही है, इसके पैर में दर्द होता था, टांग में मैंने एक्सरे करवाया, सब करवाया, फिर एक कीर्तन मणि से मैंने डिस्कस की कि इसका मैंने एक्सरे भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन इसको ना ये मतलब आराम नहीं आ रहा, दर्द का सब कुछ रिपोर्ट ठीक है, है लेकिन दर्द का आराम नहीं आ रहा, दर्द कहता है, कहती है कि दोबारा करवा लो एक्सरे, है फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ना रात को ही बोलता है दर्द हो रही है, दिन में इसको कुछ भी नहीं होता है, तो फिर मैंने उसको बताया सारी बात, ये ऐसे ऐसे बात है, तो बोलती है ये तो कृष्ण जी के पैर में लगा था ना तीर, मैंने कहा कहता है मूछ वाले ने तीर मारा था, मूछ वाले ने तीर मारा था, और वो उसने जानबूझ के नहीं मारा था, उसने मेरे से अपनी गलती की माफी मांगी थी, तो उसने कहा था कि मेरे से गलती से हो गया है, तो मैं पता नहीं क्या समझा था, पता नहीं क्या बता रहा था, बचपन की बातें हैं, अब ये 9वीं में पढ़ता है, तो जब ये फोर्थ में था, थर्ड में था, तब इसको मैंने आपको पहले किस्सा बताया था ना कि इसको वो गर्दन बुड्ढे की तरह हिलने लगी थी, है तब इसके बाद इसको स्वाइन फ्लू हुआ, जो ये किस्से के बाद तो हम अभी मैं पहले सॉरी बाद में बताती हूँ, पहले ये बता दी थी कि उसकी उन्होंने बोला कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, तो अंगूठे में लगा था, मैंने कहा अंगूठे से घुटने तक तो ये पैर में दर्द बोलता है, आगे नहीं बोलता है, अंगूठे से वो घुटने तक बोलता है, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कृष्ण जी का रूप तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तिलक भी लगा हुआ था और तुलसी पत्ता भी लगा हुआ था, तो क्या पता कौन सा रूप भगवान ने तुम्हें दिया है, तो तुम इसका ध्यान रखो, तो ये कहता तो तुम सबको बताते रहते हो, मेरे पे कष्ट आएंगे, वही बात हुई हम माता पे होके आ गए, तो माता जब 5 देवी चिंतपूर्णी ज्वाला जी और ये नगरकोट और वैष्णो देवी एक ही बार गया हूँ, एक ही बार में, पता नहीं क्या कोई लिखा होगा किस्मत में, तो जब जब ज्वाला जी पे आए ना बस में, तो रास्ते में पता नहीं अब पता नहीं कौन सी जगह आती है, वहां पे बस में ना रहा था बाहर, तो हंस अपने आप ही हंस रहा, अपने आप ही तो 2-2.5 साल का था, अपने आप में हंस रहा, तो कहता है वो देख, इस अपनी बहन को बोलता है वो देख सी बना हुआ, उसमें जोत जल रही है, ये देखने लगी थी उसको कुछ भी नहीं दिखा है, तो फिर वो चुप हो गया, हंसने से चुप हो गया, और उसने रुमाल अपना उसका बाहर गिर गया, रुमाल उसका छुट, तो ये उसका 5 साल का किस्सा था, 5 साल तक, तो मेरे को यशोदा मैया कितना कीर्तन करवाया था उसके जन्मदिन पे, तो उसको जब 2-2.5 साल का था, तो मैं सूरज कुंड बता रही थी आपको कि सूरज कुंड लेके गए थे, तो सुपेरों के बीच में डांस करने लग गया, तो ये उन्होंने बोला इसको 3 गद्दियां लगती हैं, 3 गद्दियां लगेंगी, एक कृष्ण जी की, एक नानक जी की, एक और पता नहीं कौन सी बताई थी, तो बस हम ये सोच रहे कि ये सब लेने के मारे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बात सही है, आज पता चल रहा है हमको, तो गुरु जी ने
अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। ये बीच में विराम देके वो किस्सा तो मैंने बता दिया, कर तो नहीं ने बोला। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैक्स हॉस्पिटल में क्यों गया। ये गर्दन इसकी ना एक यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड के गर्दन में एक बाउल होता है गर्दन के कान के पीछे, कान के पीछे साइड में गर्दन के नीचे एक बाउल होता है। वो बाउल के अंदर ना इसकी पस हो गई थी। तो हमें नहीं पता कि क्या है, हम तो सोचे नस तो नहीं होगी कोई, ऐसे तकरीबन सोने से हो जाता है क्योंकि एकदम सुबह से वो लगा गर्दन में दर्द है। गर्दन में हाथ ना लगाने दे, बिल्कुल भी हाथ ना लगाने दे। तो हमने सोचा ये बच्चा हाथ नहीं लगाने दे ना, ये लाड प्यार कर में पला हुआ है तो इसलिए ये हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो हमने ना एक दो बार मैंने गर्म ट्यूब लगा दी, इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहां जैसे चेक करवाया उन्होंने बोला कि इसको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो बाउल के अंदर बस थी। तो बाउल उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, उन्होंने दाखिल कर लिया। तो उन्होंने बोला हम बच्चे के कपड़े बदलवा दिए, मेरे भी बदलवा दिए, और मैं इसको अंदर बेडरूम में ले गई ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेशन करना है इसका कि गर्दन का ऑपरेशन होगा तब पस निकलेगी इसकी। तो अब बड़े बड़े डॉक्टर चेक करने आए थे, सबने यही कहा ऑपरेशन होगा। तो 3 दिन हो गए थे दाखिल की हुए, तीसरे दिन। तो फिर ना मैं ये बच्चा बोला इसने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था गले में, तो लॉकेट गले में पहना हुआ था। तो ये बच्चा बोला मैं तो गुरुजी को बहुत मानता हूँ, बस आ गई हुई भी बात, गुरु जी को बहुत मानता हूँ, तो मेरे गुरु जी ने मेरे को क्यों ये तकलीफ दे दी है, बेड पे लेटे रहते। वहां हमने जैसे कपड़े बदले ऐसे मैंने कहा तूने बहन से मिलने चल बाहर, मैं उन्हीं कपड़ों में उन्हीं इसको बच्चे को बाहर ले। तो वो इंजेक्शन लगाने वाला बाहर ही आ गया, वो जैसे इंजेक्शन लगाने लगा इसकी टांगे कांपने लग गई, ये वहां से भागा लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट की तरफ। तो इसकी टांगे ऐसे कांपे चाहे, मैंने इसको पकड़ा, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको गले लगाया। मैंने कहा आज नहीं करवाना, कल देखेंगे, आज नहीं करवाना। वो कल 3 दिन के लिए डॉक्टर ही चला गया, किसी पता नहीं कहा बाहर। तो गुरुजी ने उसको भगा दिया, 3 दिन के लिए वो चला गया डॉक्टर ही। तो जैसे आउट ऑफ सिचुएशन या कहीं भी वो 3 दिन नहीं आया, तो उस ऑपरेशन में का 3 दिन चल गया। तो मैंने इसने कहा गुरुजी मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, फिर मेरे को ऐसे क्यों। तो मैंने ना गिलास में पानी लिया और गुरुजी का लॉकेट डीप किया और मैंने इसको पिला दिया। एक दिन एक टाइम पिलाया, दो टाइम पिलाया, 3 दिन, तीसरे दिन वो झड़ना शुरू हो गया। वो लाली लाली जो इतना बड़ा घूमट बाहर निकल आया था वो सूजन सारी कम हो गई। तो डॉक्टर जो आए थे 3 दिन मुझे मीटिंग में बुलाया कि आपको क्या लगता था। मैंने कहा मुझे लगता था कि ये कैंसर ना हो, तो मैं बहुत रोई। तो उन्होंने बोला आपको सही लग रहा था कि बन जाता, लेकिन अभी आज फर्क लग रहा है हमें, तो आप 1-2 दिन हमारे कहने से रुक दो, अभी ऑपरेशन मत करवाना। तो उन्होंने मना किया, तो इसने में ना वो दवाई पिलाने वाली आ गई। तो लड़की तो नौकरी करती थी बेचारी, क्या करती,
ऑपरेशन वाला दवाई पिलाने दूसरे दिन 3 दिन बाद तो वो आ गया, 3 दिन बाद वो आ गया, तो वो डॉक्टर तो आए नहीं जो कह के गए थे मत करवाना, तो वो कहते हैं लेके जाना है इसको ऑपरेशन के लिए, है तो वो क्या नाम दवाई पिलाने के लिए आई नींद की, है 10 ml, है तो ऊपर जाके और पिलाने थी, इंजेक्शन भी लगाना था, है बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले, तो वो कर लगाना था, तो इतने में मेरी बेटी आ गई, क्योंकि इतने ना 8 बजे से पहले मेरे पास पहुंच जाती थी, है तो इसने उसको रोक दिया 10 ml वाली को कि अभी रुको रुको 1 मिनट रुको अभी नहीं पिलाना, फिर मैंने भी याद कर दिया, उस समय मैं सही थी, मैं तो ब्रेन एमरेज में 4 साल से पड़ी हूँ, तो उस समय मैं 2016-17 की बात है, तो मैं सही थी, तो क्या नाम ये जो मैं क्या बोल रही थी, ऐसा दिमाग है ना थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, दवाई हाँ मेरी बेटी ने दवाई कैंसिल करवा दी कि आप दवाई नहीं दोगे, इतने में डॉक्टर आ गए, वो 3 दिन डॉक्टर आ गए, कुदरती भगवान की कसम ऐसे भागे हुए आए, बड़ी जल्दी जल्दी आए, तो मुझे बुलाया दूसरे बैठक के रूम में, जो 10 सोफे लगे हुए थे वहां सारे बैठे, मुझे अलग से बुलाया, वो टल गई, उसको टाल दिया, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं देना, अभी हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे को बोले आपको क्या लगता था, मैंने कहा कैंसर लगता था, कहते आपका कहना ठीक था, आपका कहना ठीक था, आपको कैंसर सही लग रहा था, तो अब ये बच्चा जो है पहले से जो इसकी जो लाली है वो कम है, तो आप हमारे कहने से 2 दिन और रुक जाओ, तो ऑपरेशन अभी नहीं करवाना, इनका क्या है ये तो काट देंगे, तो लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम आपको भी एडवाइजर दे आगे भी एडवाइजर देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो टाल दिया, वो गुरु जी ने इतनी मेहर करी है बच्चे पे, इसके गले में वो पहने हुए और वो जो टीप करके मैंने इसको चन्नामत है जो जो गुरु जी का दिया चाहे गुरु जी, तो जो मैं आज बताने पे भी बड़ा दुख महसूस कर रही हूँ कि मैंने वो जो चन्नामत जल प्रसाद बनाया था वो उसको पिलाती नहीं थी, बच्चा बड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और आज तक आज 11th में पढ़ता है, वो तब 3rd में था 4th में गया था, तो तब की बात है और आज की बात है, उनकी मेहर इतनी हुई, उनकी इतनी मेहर हुई गुरुजी की, मैं कुछ बता नहीं सकती, गुरुजी साक्षात हमारे साथ है, हम समझ नहीं पाए, फिर भी नादानी मैंने की है जिसकी मैं आज सजा भुगत नहीं हूँ, तो नादानी मैंने की है, शायद इसीलिए गुरुजी मेरे से सत्संग करवाने, मुझे ठीक करने के लिए करवाने, मुझे पता है मुझे ठीक करने, मुझे क्या पता था कहाँ नंबर मिल जाएगा, कहाँ आपसे बात हो जाएगी, कि गुरु जी की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं चलता, है आंटी, तो, बिल्कुल आपने ठीक कहा आंटी, और आंटी जो है आपको नंबर उस दिन भी दे दिया गया था, आपको जितना गुरु जी का गुणगान करना है जब भी, तो आप प्लीज उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, देंगे तेरे को तो ठीक है, सो हम अभी भी उसको ये बोलते हैं कि ये गुरु जी का ही तेरे को बर्थडे गिफ्ट है जो ये कैट आई है, और संगत जी इतना ही नहीं, एक बार मुझे ड्रीम आया कि मेरे मदर जो कि मेरे मदर और फादर जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, गुरु जी के चरणों में है, वो बहुत एक डिवाइन जगह पे बैठे हैं और बड़ा प्यारा बगीचा है, और हम उनको प्रणाम करते हैं, और मेरे मदर जो कुछ और भी बातें करते हैं, लेकिन मैं कैट से रिलेटेड क्योंकि सत्संग सुना रही हूँ तो मैं बताऊंगी, उससे रिलेटेड मेरे मदर ने कहा कि आपकी ये जो कैट है, हमने उसका नाम पुष्प
पुष्पा रखा है। पुष्पा इसलिए रखा क्योंकि वो है ना पुष्पाए 8 tears, तो उसके हमेशा टीयर्स ही आते रहते थे बिकॉज जब हमने उसको लिया था तो उसकी आंखों में से पानी आना बंद नहीं हो रहा था, उसको इतना नोज ब्लॉक था, उसको सर्दी लगी हुई थी, उसकी आंखों से पानी ही आता रहता था जब वो छोटी सी थी, बहुत छोटी थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने उसका नाम पुष्पा रख दिया था। तो मेरे मदर मेरे ड्रीम में कहते हैं कि जो आपकी ये पुष्पा है कैट, इसके ना ये बहुत ब्लेस्ड सोल है और इसका ये आखिरी जन्म है, इसको निर्वाण मिलने वाला मिलेगा। तो और मैं कहती हूँ अच्छा, और मैं उसकी तरफ देखती हूँ कैट की तरफ, तो वो कैट शब्द गा रही है राम रस पिया रे। और जैसे अगर आपको ध्यान हो एक टॉकिंग टॉम आता था जिसमें वो कैट जो हम बोलते हैं वही वो कैट बोलती है, तो वो उस वे में उस तरह की आवाज में गा रही थी। तो ये शब्द गाना मेरे मदर का बताना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये महाराज जी बता रहे थे कि कैसे वही ही किसी ब्लेस्ड सोल को यहाँ भेजते हैं जिसमें हम उसकी सेवा करके हम अपना कर्म काट रहे हैं, वो हमसे सेवा लेके या महाराज के यहाँ दरबार में सत्संग भी होता है, संगतें भी आती हैं, तो वो भी उसके कानों में वो शब्द जाते हैं, तो उसको उसकी हिस्से की ब्लेसिंग मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का कैसे गुरु जी करते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा कि हमेशा वो गुरु जी की गद्दी के पास नीचे या वहां पे भागती है, लेकिन जब सत्संग होता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन जब सत्संग होता है तो गुरु जी महाशिव के तार में आते हैं और उनके साथ कई देवी देवता आते हैं। तो जिस दिन सत्संग होता है, जैसे हमारे अभी 27th को है 2-7 को, तो जब 27th को सत्संग होता है उस दिन से लेके अगले 2 या 3 दिन तक वो गद्दी के पास भी नहीं आती, वो जहां पे हम मत्था टेकते हैं बस वहीं तक बैठती है और बैठी रहती है, वो गद्दी के पास उस स्टेज के पास नहीं जाती। तो जाने वो क्या महसूस करते हैं महाराज और उसके बीच का कनेक्शन। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के, बहुत शुक्राना महाराज। कुछ कहने में गलती हो तो माफ करना जय गुरु जी। और अंजू आंटी आपने कहा था कि आज के सत्संग का, तो उषा भाटी आंटी का सत्संग था जो मुझे आज हर बार हम जैसे सुनते हैं तो नई बात याद आती है। तो आज जो मैंने सत्संग जब सुना तो मैंने जो बात मुझे बहुत प्यारी लगी, तो आंटी ने कहा कि गुरु का और तेरा कनेक्शन 1-to-1 होना चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए गुरु और आपके बीच में। जैसे कि इवन आपके हस्बैंड भी नहीं होने चाहिए जब आप और गुरु के बीच का जब कनेक्शन है और जब आप और गुरु के बीच की भक्ति है, और जब हस्बैंड और गुरु के बीच के तो उसमें वाइफ नहीं होनी चाहिए, आपका इतना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुधांती आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरु जी। नमतम नमतम शुक्राना आंटी जी। रिसेंटली सत्संग है, वेंसडे की बात है, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई प्लेटफॉर्म पे एक अनिल सेठा अंकल उनका सत्संग चल रहा था, तो उसी दरमियान क्या होगा सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, तो गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम में ले गए। तो ड्रीम में क्या दिखाते हैं, मेरी नीस भी साथ ही बैठी होती है और मेरी नीस जो है वो शिप्रान पड़ रही होती है, तो मैं बीच में ऐसे अपने जैसे अपने सिर पे चुन्नी के साथ ऐसे अपना फेस ढका होता है, तो मैं नीचे को फेस किया होता है, तो उसी दरमियान क्या होता है कि मेरे जो लेक्चरर होते हैं इतने सालों से 22 साल पहले जो मेरे कॉलेज के टाइम की थी, वो भी मुझे नजर आते हैं, वो पास ही ऐसे खड़े होते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप शिवप्रांत सुन रहे हो, तो मैं कुछ बोलती नहीं, और दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि आप, मैं कह नहीं मैं दूसरा सत्संग सुन रही हूँ, तो वो ऐसे गुरु महाराज की बात शुरू कर देते हैं, जबकि वो भी मुझे लगता है कि वो भी गुरु महाराज से कनेक्ट है, तो कहते हैं आजकल गुरु जी को बहुत लोग मिसयूज करते हैं, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, कहते नहीं होता है, ऐसे अपना सत्संग शेयर करना शुरू हो गए, तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहा अंकल मेरे को ना दिव्या बाबा बुक मिल गई है, कहते अच्छा, तो मैं उनको दिखाती हूँ, तो जैसे मैं दिखाती हूँ वो देखते हैं, तो बीच में जैसे गुरु महाराज के स्वरूप होते हैं ना वो उस एक पेज को ना उखाड़ देते हैं, तो मैं तो बहुत गुस्से में हो जाती हूँ, मैं कहा अंकल मैंने आपको जो दिव्या देखने को दी थी ना कि मैंने जो पेज उखाड़ने को बोला था,
तो वो क्या करते हैं, उसके तीन पार्ट कर देते हैं, एक मेरी नीस को पकड़ा देते हैं, एक मेरे को ऐसे पकड़ा देते हैं, तो एक आप ले लेते हैं। तो कहते ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। उसी दरमियान क्या होता है, आंटी मेरे ब्रदर आते हैं, तो कहते तूने जाना गुरु जी के पास, मैं कहा हाँ हाँ जाना। तो वो मोटरसाइकिल में मेरे को ले जाता है, तो रास्ते में है ना उसको कॉल कोई आ जाती है, तो वो मेरे को उतार देता, कहता मैं अभी वापस आता हूँ तो तू जहां ही रुकना। मेरे को ओके। तो वो दिखाई दे देता कि काफी ऐसे हिली टाइप जगह होती है पहाड़ के बीच में, मैं जा रही होती हूँ। तो मैं कहा इसने तो टाइम लगाया, चलो मैं पैदल चलती रहूंगी, अपने आप ही जब आ जाएगा तो ठीक है। जब मैं जाती हूँ एक साइड पे खाई होती है, तो ऐसे ऐसे रास्ता जो होता है बहुत छोटा सा नैरो सा होता है, तो एक मुझे लगता कि ये तो नीचे को जमीन खिसक रही है, तो मैंने ऐसे उसको एक पांव से ऐसे प्रेस किया, तो जो पत्थर था वो नीचे गिर गया, तो उसमें काफी गैप आ गया। तो मैंने कहा अगर मैं जंप करूंगी मैं तो इसमें गिर जाऊंगी, तो मैं क्या करती हूँ मैं पीछे को वापिस आ जाती हूँ। जब मैं वापिस आती हूँ तो थोड़ा वो भी नीचे को ऐसे खाई की तरह एक मंदिर मुझे दिखाई देता है। तो मैं जैसे जाती हूँ पहले मैं बोलूं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरे को कोई पकड़ ना ले ऐसे। तो जैसे मैं डोर खोलती हूँ एक साइड पे शिवलिंग जी होते हैं और तीन पंडित जी खड़े होते हैं, जैसे व्हाइट कलर की उन्होंने धोतियां लगाई होती हैं तीनों ने, मतलब कि आरती का टाइम शुरू होने वाला होता है। तो एक वो नहीं होती है जो जोत बड़ी बड़ी जोते होती है जैसे हरिद्वार में भी ऐसे घुमाते हैं, वो तीनों ने ऐसे जोत पकड़ी होती है, अभी स्टार्ट नहीं होती आरती। तो मैं उनको बोलती हूँ मैं क्या मैंने जहा ना अपने गुरु जी के पास जाना, कहते जहां तो मैं मेरे मम्मी मैंने बोला मेरे गुरु जी का मंदिर है जहाँ, कहते जहां तो कोई मंदिर नहीं है, मैं कहा नहीं मेरे गुरु जी का मंदिर है। तो एक जो पंडित होता है वो दूरबीन लेता है, दूरबीन से ऐसे देखता है, कहता हाँ है कहता। तो एक अंकल खड़े होते हैं, कहते इनको ना उनके नीचे को ऐसे सीढ़ियां जाती हैं, तो कहते इसको ना कि बाहर के रास्ते को निकाल दो। तो मैं जाती हूँ 15-20 सीढ़ियां होती है, जब फिर दरवाजा खोलता है वो तो मैं बाहर को जाती हूँ, तो एकदम जब मैं वहां कमरे के अंदर होती हूँ उनके हॉल में, तो वहां तो अंधेरा लाइटें जग रही थी। तो जैसे वो डोर खोलता है तो एक गली सी होती है, तो मैं उसके जैसे एंटर होती हूँ तो दरवाजा वो खुल जाता है। तो जी गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, जे ड्रीम ऐसे गुरु महाराज जी ने दिखाया। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत बहुत महाराज की कृपा मेहर जो महाराज ऐसी यात्रा पे लेके जाते हैं, बहुत बहुत शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज, सब पे मेहर बनाए। जय गुरु जी।